तो अब अगर आप देखो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे मैंने काफ़ी बार बोला कि भाई ये सब पढ़ने का मकसद आपकी लाइफ को मुश्किल बनाना नहीं है, आपकी लाइफ को टॉर्चर टॉर्चर करना नहीं है। पूरा का पूरा मकसद ये है कि भाई जो कुदरत है, जो नेचर है, उसके बारे में आप कुछ नया जान सकें और उस नॉलेज को अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकें। तो लास्ट 250 साल में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, शायद ही किसी और चीज़ ने उससे ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर इम्प्रूव की हो। तो आज हम देखेंगे कि भाई जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आती है, ये कैसे पैदा होती है। तो जो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, आपको लगेगा कि भाई बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, लेकिन अगर आप देखो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, जिस प्रिंसिपल पे आप बिजली बनाते हो, वो बड़ा ही सिंपल सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये मेरे पास एक बल्ब है, अब अगर आपको उसको जलाना हो बैटरी को यूज़ किए बिना, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक गन्ने में से जूस रस निकाल सकते हो, यानी एक चक्के को घुमा सकते हो वैसे, तो आप घर बैठे बैठे बड़ी ही आसानी से इस बल्ब को जगा सकते हो। तो अभी ये मेरे पास है गन्ने का जूस निकालने वाला चक्का, और ये है मेरे पास बल्ब, ठीक है। क्या करते हैं, जूस निकालते हैं थोड़ा गन्ने का जूस। तो ये मैं गन्ने का जूस निकाल रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई गन्ने के जूस की जगह बिजली निकल रही है, बल्ब जग रहा है हमारा। तो मैंने घर बैठे बैठे बिजली पैदा कर दी। और सेम चीज़ को अगर आप बड़े स्केल पर यूज़ करो, तो आप गरीब मोहल्ले क्या, आप बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, उनको जगा सकते हो। और प्रिंसिपल जो हम यूज़ कर रहे हैं बल्ब को जगाने के लिए यहाँ पे, वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका प्रिंसिपल कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, ऐसा लूप है, इसमें से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, तो इसमें करंट पैदा होगी, खत्म कहानी। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि भाई इसमें से, इस क्लोज लूप में से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट लेके आ जाऊँ और उसको इसके पास मूव करूँ, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसमें करंट पैदा होगा। अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख दूं और लूप को इसके आसपास मूव करूं, तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और इसमें करंट पैदा होगा। या फिर कोई और तरीका, अगर आप किसी भी तरीके से इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो, इसमें करंट पैदा होगा ही होगा। तो ऐसा कोई भी खिलौना जिससे आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। और हमारे केस में इसको हम क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। क्योंकि जो बिजली हमें पैदा होने वाली है, वो काफ़ी अलग होगी। जो बिजली हम अब तक देख रहे थे, वो वाली बिजली क्या थी, डायरेक्ट करंट थी जो हम बैटरी से पैदा कर रहे थे। ये वाली जो बिजली है, वो काफ़ी अलग होने वाली है। और देखते हैं कि भाई अलग कैसे है अभी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है, वो देख लेते हैं, क्योंकि वो हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब फैराडे का फ्लक्स रूल बोलता है कि भाई अगर आपके पास ऐसा क्लोज लूप है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो रहा है, तो इसमें कितनी EMF या फिर कितनी करंट पैदा होने वाली है, वो डिपेंड करेगा कितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें से, डिवाइडेडिटी ऑफ फाइव, उस पर डिपेंड करने वाला। नोट करने वाली बात है कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड में इसको आपने रखा हुआ, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन कितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो केस हैं, सेम लूप को हमने एक बार बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और दूसरी बार बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेकिन इस केस में जहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ आपने, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, वो इससे ज़्यादा हो रही है। तो इवन तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन सिंस ये चेंज इससे ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा EMF पैदा होने वाला है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्या करेंगे हम लोग, ऐसा एक लूप लेंगे और इस लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखेंगे और फिर इसको घुमाएंगे, इसमें ऐसे घुमाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या होता है। तभी हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है, ये क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसमें जैसे हमने बोला कि भाई ये वाला लूप जो है, इसको हम रोटेट करने वाले हैं, तो इसकी इनिशियल पोजिशन ऐसी है, ठीक है। और इसको आप बांध से देख रहे हो, तो क्या दिखेगा आपको, ये वाली स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये वाली लाइन दिखेगी, राइट लाइन दिखेगी। और जैसे जैसे लूप रोटेट करेगा, आपको लगेगा कि भाई जो स्ट्रेट लाइन है, ये रोटेट कर रही है। जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, स्ट्रेट लाइन है ये रोटेट कर रही है। जो एरो दिख रहा है आपको, ये रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है आपको, राइट। और फाइनली ये एक पूरा चक्कर काट के वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा, राइट। तो आप शुरू करते हो यहाँ से और ऐसे ऐसे एक चक्कर काटने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाएगा। और वो हमने एक चक्कर के लिए आपको यहाँ से यहाँ दिखाया है। तो अब जैसे जैसे आपका लूप जो है, ये लूप जो है रोटेट करेगा, जो ओपन सरफेस है इसकी, ओपन सरफेस में जो फ्लक्स है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा होता है। और थीटा क्या है, एंगल है एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि भाई ये जो ब्लैक एरो है, इसको आप एरिया वेक्टर मान सकते हैं, और ये जो ब्लू एरो है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच जो एंगल है, एंगल जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज किया जा रहा है। तीन जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब ये जो लूप है, जब इसकी
ओरिजिनल पोजीशन ऐसी है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब रोटेट करके यहाँ पहुँच गया तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और जब ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच गया तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब जब आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर आपका एरिया वेक्टर जो है वो और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इन दोनों मैक्सिमम के बीच में ये कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जीरो बनेगा, इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। अगेन इन दोनों मैक्सिमम के बीच में कम होगा, जीरो बनेगा, इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम बन जाएगा। तो मस्ती के लिए क्या करते हैं, कुछ सैंपल थीटा वैल्यूज के लिए फ्लक्स निकालते हैं। तो जीरो डिग्री के लिए कितना होगा, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, बी ए होगा। 30 डिग्री के लिए 0.87 बी ए, 60 के लिए 0.5 बी ए, और 90 के लिए जीरो होगा। और यहाँ पे हम लोग खाली फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई चेंज कितना आ रहा है, इन दोनों 30 डिग्री के बीच में चेंज कितना आएगा, 0.13 बी ए, इन दोनों 30 डिग्री के बीच में चेंज कितना आ रहा है, 0.5 बी ए। नोट करने वाली बात यह कि भाई दोनों जगह पे 30 डिग्री से एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है इस 30 के बीच में और इस 30 के बीच में वो अलग अलग है। और यहाँ पे हमने सिर्फ चार एंगल लिए हैं, आप सेम चीज़ पूरे 360 डिग्री के लिए देख सकते हैं। और आप देखोगे कि भाई जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही है, जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, जो चेंज है वो एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है। और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो इंड्यूस करंट होने वाली है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करेगी। और अगर आपका चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो इंड्यूस करंट पैदा होने वाली है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी, वो टाइम के साथ चेंज करेगी, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो आपको एसी जनरेटर कभी परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान लगाएं इस पे। तो अभी जो हमने देखा है उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, मतलब जो फ्लक्स है आपका वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स जो था आपका वो मैक्सिमम था, पॉजिटिव बी ए था। जैसे जैसे रोटेट करेगा फ्लक्स, जैसे हमने देखा कि भाई कम होना शुरू हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके जीरो बनेगा, फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और इस पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमम बनेगा, इस पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमम बनेगा जब आपका एरिया वेक्टर और बी के बीच में 180 डिग्री एंगल है, राइट। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे जीरो बनेगा, यहाँ पे दोबारा जीरो बनेगा, और उसके बाद मैक्सिमम अगेन, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम बी ए बन जाएगा, राइट। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ में नोट करने वाली है कि भाई जैसे मैंने बोला कि भाई डिफरेंट एंगल्स पे जो फ्लक्स है वो अलग अलग रफ्तार से चेंज हो रहा है, और अपने को कैलकुलस से पता है कि भाई किसी एक कर्व पे, अगर अपने को पता करना हो कि भाई किसी एक पॉइंट पे कर्व कितनी तेज़ी से चेंज कर रहा है, तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो और उसकी स्टीपनेस निकालो, और स्टीपनेस आपको बताएगा भाई कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे जहाँ पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे अगर मैं इसका इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, उसकी स्टीपनेस क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, और इस पॉइंट पर जहाँ पर फ्लक्स जो है वो जीरो पहुँचने वाला, यहाँ पर बहुत स्टीप है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जहाँ पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम पहुँच रहा है वहाँ पे आपकी जो इंड्यूस करंट होने वाली है वो जीरो होगी, और जहाँ पे फ्लक्स जो आपका जीरो पहुँच रहा है वहाँ पे इंड्यूस करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होने वाला है कि कितनी तेज़ी से आपका फ्लक्स वो चेंज हो रहा है, उसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा उसका। जैसे हमने बोला कि भाई जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम है आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो होने वाली है, और जैसे आपका फ्लक्स कम होना शुरू होएगा आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम पहुंचेगी इस पॉइंट पे जहां पे आपका फ्लक्स जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होना शुरू हो जाएगी और जीरो पहुंचेगी इस पॉइंट पे जब आपका जो फ्लक्स है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, यानी फ्लक्स जो है मैक्सिमम पहुंचा हुआ है। और ये सिलसिला दूसरे साइकिल नेगेटिव साइकिल के लिए भी ऐसा चलेगा। तो अब अगर आपका ईएमएफ जो अगर ऐसे चेंज करेगा, अगर उसकी शेप ऐसी है, तो जो आपकी इंड्यूस करंट होने वाली है वो भी इसी शेप की होगी। ऑफ कोर्स वैल्यूज करंट की अलग होंगी, फॉर एग्जांपल जो पीक वैल्यू होगी करंट की वो ये नहीं होगी, कोई और वैल्यू होगी, क्योंकि करंट जो है वो कॉइल की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ई बाई आर, लेकिन उसकी शेप होने वाली शेप ऐसी ही होगी, राइट। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो करंट पैदा हो रही है वो काफ़ी अलग है जो करंट हमने अब तक देखी हुई है। अब तक हमने डीसी करंट देखी थी, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है और वो चेंज नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो करंट पैदा हो रही है वो चेंज हो रही है, वो करंट जो है वो चेंज हो रही है, और पीरियोडिकली वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, उल्टी करती है, राइट। और इस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब दो बातें यहाँ पे नोट करने के लिए, पहली बात जब करंट यहाँ से शुरू करती है और यहाँ पहुँच जाती है उसको एक साइकिल बोलते हैं, और कितना टाइम लगेगा इस साइकिल में वो डिपेंड करता है कि भाई कितनी तेज़ी से आप अपनी कॉइल को रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही कॉइल थी, अब अगर आपके पास एक कॉइल है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा टर्न्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल एन टर्न्स दिए हैं, जो इंड्यूस करंट पैदा होने वाली है वो एन टाइम्स बढ़ जाएगी,
तो अब तक तो हम लोग इंट्यूशन को यूज़ करके सिंपल सिंपल लॉजिक को यूज़ करके ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्यों करंट पैदा हो रही है और उसकी शेप कैसी होगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ को आप मैथमेटिकली भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और भी हम करेंगे। तो फ्लक्स यहाँ पे किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा, और फैराडे के रूल से अपने को पता है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाली है वो किसके बराबर होगी, माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स, तो डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब अगर आपकी कॉइल जो है अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो किसी पॉइंट इन टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी होगा, तो थीटा की जगह ओमेगा टी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ गया आपके पास, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वाली जो आपके पास टर्म आ रही है यहाँ पे, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ की। किसी एक पॉइंट इन टाइम पे अगर आपको यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। तो अब इस टर्म की जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होने वाली वो कब होगी, जब साइन ओमेगा डी प्लस वन है, और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब साइन ओमेगा डी माइनस वन है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्लस एन बी ए ओमेगा और माइनस एन बी ओमेगा इन दोनों के बीच में एक साइन वेव की तरह वैरी करेगी, और एग्जैक्टली सेम चीज हमने यहाँ पे देखी थी, राइट। कहने का मतलब ये है कि भाई एन बी ए ओमेगा जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि भाई इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो कहानी थी इंड्यूस ईएमएफ की। अगर आपको इंड्यूस करंट निकालनी हो तो सिंपली आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो अब अगर आपको इस एक्सप्रेशन को अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना हो, यानी कि एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है आपकी कॉइल, वो भी आप आसानी से लिख सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो किसके बराबर होता है, 2π/T, टी क्या यहाँ पे टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2π/ν ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह 2π/ν डालो तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी वो है। और आपको बहुत बार ये वाली एक्सप्रेशन को यूज़ करके और ये वाली एक्सप्रेशन को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला जाता है, तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई हैं, दो इनको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि भाई किन वेरिएबल्स पे आपकी इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट डिपेंड करने वाली है, और डिपेंडिंग अपन आपको क्या चाहिए आप इन वेरिएबल के साथ खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि भाई आप इंड्यूस ईएमएफ डबल कर दो, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो, एन को डबल कर दो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको डबल कर दो, यानी अपनी कॉइल को डबल स्पीड से रोटेट करना चालू कर दो। जब स्पीड को डबल करोगे आप तो जो आपका पीक वैल्यू डबल हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ है वो डबल हो जाएगा, लेकिन जो साइकिल टाइम है वो आधा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यह था जब आप उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे, और ये वाला ग्राफ है जब आप इसको डबल एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो अब जाने से पहले इस करंट पे दोबारा से वापस आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये बिल्कुल ही नई आइटम है, हमारा दिमाग जो है वो एक डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट उसके यूज टू है, तो अपने को समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई इस करंट का क्या करेंगे हम लोग। तो अब अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो, इनफैक्ट साइंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई थी, सबसे बड़ा जो महायुद्ध महाभारत हुई थी जो, वो इस बात को डिसाइड करने के लिए हुई थी कि भाई घरों में एसी करंट यूज करें कि डीसी करंट यूज करें। और यहाँ पे हम लोग कोई गली मोहल्ले वाली तूतुमे वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसी लड़ाई की बात कर रहे हैं जहाँ पे साम दाम दंद भेद सब यूज किया गया था, और लड़ाई के एक तरफ थे एडिसन और उसकी पल्टन जो डीसी करंट को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस और निकोला टेस्ला जो एसी करंट को सपोर्ट कर रहे थे। और नेक्स्ट कुछ वीडियोज में इस लड़ाई पर थोड़ी बात करेंगे। तो जब लड़ाई खत्म हुई, जीत हुई वेस्टिंग हाउस की और निकोला टेस्ला की, तो नेचर परवाह नहीं करती कि भाई आपके लिए और मेरे लिए क्या नेचुरल है। नेचर के लिए ये नेचुरल तरीका है करंट को पैदा करने का, और जो आप अपने इर्द गिर्द चकाचौंध देखते हो वो इस अजीब सी करंट की ही देन है।